तो शिमला के पास में आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा, पता नहीं रीजन क्या है। समझाई मुझे एक बात, नहीं समझाई मुझे, जैसे ये गाड़ियों पहाड़ों के नीचे लगा रखी है इन्होंने, यार पत्थर पत्थर नहीं जमता इन गाड़ियों पर यार, कमाल है। हाँ ये है, एक मिनट, ये रही, ये क्या चीज है, इन्होंने ना पता नहीं किस चीज से कवर कर रखा है। ओके जी, चलने का टाइम यहाँ से आ गया है, निकलते अब अगली राइड के लिए। लो जी, बाइक इज फुल रेडी और वो सामने अपने सिम्बा के साथ की बाइक है वो सामने। लो जी, सामने बोर्ड पर लिखा है शिमला यहाँ से 140 किलोमीटर, तो ठीक है जी। मैं रामपुर तो नहीं पहुँचा, रामपुर से थोड़ा सा पीछे था, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इस चीज़ का, रामपुर से थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर यह है तो रामपुर में ही, बट हमें वो मिला थके हुए थे वहीं सो गए, मुझे हमें पता ही अब लगा है, रात का टाइम था हमें लगा यही रामपुर है। लो जी, 140 किलोमीटर के आसपास तो बता ही रहे थे, मैं सोच रहा था भी चलो रहने देता हूँ, बनाने जो है ना अपनी जितनी भी जर्नी खींचता हूँ, बट ये इतना हसीन नज़ारा है ना, ये मिस हो जाता अगर मैं ना बनाता वाकई, तो अच्छा हुआ मैंने लगा लिया, मेरे को ये था चलो थोड़ी बहुत अपडेट वैसे ही दे दूँ आपको, बट नहीं, बहुत अच्छा व्यू है इधर भी ना। शहरों की लोकेशन देखो जी आप कितनी बढ़िया, ये देखो, ये देख रहा जी, मस्त, क्या लाइफ होगी जो उन पहाड़ों पर ऊपर रहते होंगे, है ना। वैसे यहाँ मौसम बढ़िया है, यहाँ गाड़ी चलाने का भी मज़ा आ रहा है, कोई डर वाली बात नहीं है किसी, और बहुत क्राउड है पीछे ऑफ राइडर के लिए, और अगर 5-7-10 आदमी हो तो उन पहाड़ों पर फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप एंजॉय कर सकते हो। जैसे मैं सोलो था, सोलो वाले के लिए थोड़ी दिक्कत है, क्यों, उस पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, गाड़ी की भी खुद की भी, क्योंकि फैमिली के साथ जुड़ा होता आदमी, और उससे बड़ी बात ये उसको ये होता है भी मैं दिल ढलने से पहले किसी सेफ जगह पर पहुंच जाऊं। हाँ जी, आप सोच रहे होगे भी रात को तो रामपुर आ गया, वो बात यही है भी 8-10 जाने साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दो गाड़ियां थी, उन्होंने हमें यही कहा भी अगर इनकेस भैया कोई दिक्कत होगी तो अपने गाड़ियों में सो जाएंगे, आपको छोड़ कर भागते नहीं हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जो है उनमें से एक गाड़ी ख़राब होगी, मतलब उसके कोई थोड़ा सा रेस में प्रॉब्लम आ गई, तो फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा आप मुझे छोड़ के नहीं भागोगे, मैं आपको छोड़ के नहीं भागूंगा, तो ये तो होती है बात। समझाई मुझे एक बात, नहीं समझाई मुझे, जैसे ये गाड़ियों पहाड़ों के नीचे लगा रखी है इन्होंने, यार पत्थर पत्थर नहीं जमता इन गाड़ियों पर यार, कमाल है ब्रो, व्हाट ए व्यू, वाओ क्या हसीन वादियां हैं, नजारा आ गया, मैं कहता हूँ जन्नत है जन्नत। और जो डीप ब्रीथ करके फ्रेश एयर मिल रही है वो तो कहना ही क्या है। आज और कल दो दिन मुझे गाड़ियां बहुत कम मिली हैं, पता नहीं क्या बात है। पुल देखो, भोला बाबा कृपा रखनी, वाह जी वाह, देखो दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, मैं इस पूरे सर्किट में गंगानगर से जब मैं चलाऊं और अब वापस जाऊंगा, मतलब अभी तक, अब आगे का तो मुझे पता नहीं है, जब ये बात बता रहा हूँ, मैंने इस पूरे ड्यूरेशन में गाना नहीं सुना, नहीं तो आम राइडर क्या करते हैं गाना लगा लेते हैं, मैंने नहीं लगाया, अलग अलग थिंकिंग है मेरी, थिंकिंग ये अगर आप गाना लगाते हो ना, क्योंकि मैं सुनता हूँ हाई बीट गाने, ठीक है, स्लो गाने, सैड सॉन्ग सुनता नहीं हूँ, मेरा तो उससे भी पिलो हो जाता है, मेरे को पसंद ही नहीं है, चाहे मूड बढ़िया है या कैसा भी है अपना ख़राब है, अपने हाई बीपी सुनते हैं, ठीक है, उससे क्या फिर बंदा जोश में आके और भगाता है, और ये हादसे का कारण बनता है। अगर आप पहाड़ों में आ रहे हो तो बढ़िया से एक रोमांटिक गाने लगाओ, ये तड़क भड़क वाले गाने, जोश वाले गाने मत लगाना भाई, ये भी दैट वाज ए काज ऑफ एक्सीडेंट, एक बात ये भी ध्यान रखना आप।
ठीक है। अब जो है ना एक बार फिर यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है, तो ऊपर पता नहीं क्या वाइट वाइट क्या है, बर्फ है या नहीं, बर्फ तो नहीं लग रही, कुछ स्टोर किया हुआ लगता है यहाँ के लोकल। और वो देखो ऊपर है ऐसे बढ़िया पहाड़ों पर कुछ ना जाली टाइप डाला हुआ है इन्होंने, वो ऊपर वाइट सा मेरे को दूर से लगी जैसे स्नो। और फिर चढ़ाई आ गई है इधर से ना। हेलो जी, ये है नारकंडा के पहले के नज़ारे। हाँ जी, रामपुर से नारकंडा जाएंगे ना, उसके बीच के नज़ारे बहुत बढ़िया। रास्ते में के रुक के फोटो में फट में फोटो शूट वगैरह करना हो। और यहाँ पर थोड़ी सी ठंड सी महसूस हो रही है, अब पता नहीं क्या करना है। पीछे तो मुझे गर्मी लग रही थी, अब यहाँ पर जो है ना ठंड महसूस होनी शुरू हो गई है। देखते भी हैं ये किस चीज़ की है। आई थिंक अरे ये सेब है, सेब को कवर किया हुआ है इन्होंने, कारण नहीं पता क्या कारण है। ठीक है, दूर से ऐसे लगता है जैसे बर्फ पड़ी हो। मैं तो एक बार ऐसे बर्फ बना, ये ऐसे कैसी बर्फ है यार, नीचे नीचे हरियाली दिख रही है, ऊपर जो है ना बर्फ है। आगे भी दिखाता हूँ आपको, मैं मंजर दिखाता हूँ बहुत। यहाँ से देखो ना आप, वो देखो उस तरफ, यहाँ से मुझे तो दिख रहा है। अब आपको कैमरे में से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो सारे देखो वाइट 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 साहब। लोकेशन देखो, लोकेशन मैं कहता हूँ भी एक नंबर लोकेशन है। और नारकंडा दो रह गया यहाँ से, मैं कहता हूँ शिमला अगर आगे ना तो वहाँ से बाइक रेंट लेके बेशक आप 10-15 किलोमीटर इधर आ जाना नारकंडा की तरफ। लो जी, आपको नारकंडा में भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा, ठीक है, नारकंडा में भी मिलेगा और पीछे भी। मतलब अगर आप उधर से आ रहे हो ना काजा से, तो आपको नियर अबाउट 200 किलोमीटर का जुगाड़ करके लेके आना है अपना, आगे पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। इधर नारकंडा में भी है, अपने नारकंडा को क्रॉस कर गए हैं। लो जी, शिमला 64 है यहाँ से नारकंडा से, और ये नारकंडा यहाँ आप स्टे कर सकते हो, ठीक है। और ये बाइकर्स हैं अपने भाई, ठीक है। मेन मोटिव मेरा ये है, अगर मान लो आप चलते हो, जैसे मैं श्री गंगानगर से चला, कोई दिल्ली से चला, ठीक है, और शिमला स्टे नहीं करना चाहता और जा रहा है इधर आगे काजा, ठीक है, तो वो पहला स्टे जो है ना अपना खींच के, मतलब 400-500 किलोमीटर अगर राइड निकाल सकता है बंदा सेफली, तो वो नारकंडा भी रुक सकता है, नहीं तो शिमला तो है ही है। फिर मनाली का ही टूर था, फिर आगे सारा सर्किट निकाल दिया मैंने, ठीक है जी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें और शेयर कर दो। और वो देखो ऊपर मैंने आपको कहा था ना, वहाँ पास से अब दिखाता हूँ, तो प्लीज़ शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है यार। मतलब इतना रिस्क लेके जाते हैं हम ऊपर, ये देखो ऊपर ये सारा एप्पल के पेड़ है। मेरा नहीं कहता, सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं यार, जो उनकी मदद करो यार, बहुत बड़ा है जड़ा ना, क्या बताऊं, लॉट ऑफ हार्ड वर्क होता है उनका, बंदों का लॉट ऑफ रिस्क होता है, ठीक है। सोते नहीं है क्योंकि अब आप मानोगे सुबह का, मैं अब रात को सोया मैं 12:30, ठीक है, और अब मैं सुबह 8 बजे निकल गया, उठा था मैं 6:30 क्योंकि पैकिंग वैकिंग और वो सारा का सिस्टम। तो यार मेहनत तो देखो लगती है, फिर ही आपको ये चीज़ें हम दिखा पाते हैं। तो इसलिए सभी की सपोर्ट किया करो, मेरी भी सपोर्ट करो और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, @jetontravel7। तो जितने भी राइडर्स मिलेंगे ना आपको मनाली से काजा वाले रोड से, सभी मतलब हाथ उठा के जाएंगे। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, अब जितने भी राइडर्स मिल रहे हैं मैं उठा रहा हूँ आगे से हाथ, बड़ी मुश्किल से उठाते हैं, उनको ऐसे लगता है, वहाँ मेरे को ऐसे लगता है बंदे को एकदम से मौत के नज़ारे देखते हैं ना, तो बंदा कहता है शुक्र है यार ये बंदा मिला, उसको हाथ उठाता है, ओ क्या हाल है भाई, है ना। अब मैं थोड़ी दूर बिना हेलमेट के ही राइड करने वाला हूँ। व्हाट ए व्यू, देखो जी ये मतियाना के पास का व्यू है, नीचे का सारा मंजर है और वो वाइट वाइट सा जो मैंने आपको बताया था वो। मैंने तो दोस्तों जैकेट निकाल ली है और वो डाल ली है,
कारण ये है, ठंड बहुत लग रही थी मुझे। मैं मतलब शिमला यहाँ से नियर अबाउट 40 के आसपास होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई 5 किलोमीटर कम भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोर्ड नहीं पढ़ा, अंदाजे से बता रहा हूँ। राइड कितने की है? राइड फोटो ओनली, राइड नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, कहते राइड नहीं देंगे, सिर्फ फोटो के लिए। मैगी मिल जाएगी? मैगी कुछ खाता हूँ यार, बहुत बुरा हाल है यार। तो शिमला के पास में आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा, पता नहीं रीज़न क्या है। पेट्रोल पंप तो शिमला में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ टंकी फुल करा ली आपके भाई ने। अब शिमला फिर निकालेंगे कभी, फैमिली के साथ आना है तब देखेंगे। फिलहाल अब निकलेंगे भैया चंडीगढ़ के लिए, थक गए भैया, 5 दिन हो गए, और ऊपर से मुझे कॉल्स आ रही हैं। 2 दिन तो कॉल आई नहीं क्योंकि बंद था सारा तामझाम। शिमला की पुरानी टनल है, हैं देखो अंदर तो अंधेरा ही होगा सारा, ये पुरानी टनलों में से है। अरे लोग आ जा रहे हैं भाई साहब, शिमला के पास में जो ये जाम है ना, देखने वाला है, जबरदस्त जाम है, जबरदस्त। अरे भाई ये पुलिस वाले पता नहीं किसकी गाड़ी उठा रहे हैं। देखो यहाँ नियम बहुत सख्त है इधर भी। अब आगे घर की तरफ निकलते हैं। ओके जी, शिमला से आगे 20 किलोमीटर आगे खाना खा रहा हूँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लो जी अपने शहर पहुँच गया हूँ, 11:32 हो गए हैं और सुबह का चला हुआ हूँ रामपुर से। ठीक है, थक गया बहुत ज़्यादा, रामपुर से चला हूँ और गंगानगर पहुँच गया हूँ। टाइम हो गया है रात के 11:30, मोबाइल से बना रहा हूँ क्योंकि सब पैक है। रास्ते में जो है ना बारिश आ गई थी। ओके जी, ये इसलिए मैंने मतलब अपडेट दिया है कि कहीं कोई ये ना कोई कहे भी रास्ते में जो है ना रुक के, बंदा रास्ते में रुक के आया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भी नहीं कहूँगा, गुड आफ्टरनून कहूँगा। और ये व्लॉग सेम है रामपुर टू शिमला वाला, इसका एंड कर रहा हूँ मैं घर पर आके। रात आपने देख लिया जो मैं 11:30 के आसपास घर पर पहुँचा हूँ, वो मैंने मोबाइल से ली थी क्योंकि रास्ते में बारिश आ रही थी। तो मैंने सारा सामान जो है ना अपना जो टैंक बैग के अंदर कैमरा रख दिया था, तो करके वो मुझे कैमरे से बनाना पड़ा, लाइट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और ये पूरा सर्किट मारा मैंने गंगानगर से अनंतपुर साहब, अनंतपुर से मनाली, मनाली टू काजा, काजा से रामपुर, रामपुर से शिमला, शिमला टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू गंगानगर। 1720 किलोमीटर के आसपास सारा ये मेरा सर्किट हुआ है। और ये लास्ट एपिसोड है उस सीरीज़ का। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि इस तरीके की मज़ेदार वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये यूज़ ही नहीं किया, मतलब ये मेरा, इसका मेरे को इतनी मतलब स्ट्रेंथ मिली, मेरे को यह था भी यार कुछ कोई बात नहीं, अपने पास तेल है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया इस पेट्रोल को। ठीक है, और ये मैंने मनाली से भरवाया था और जहाँ भी मुझे पेट्रोल पंप मिलता था मैं वहाँ उसको फिल करवा लेता था। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं इस तरीके की कोई नई वीडियो के साथ। और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय और सत श्री अकाल।